हिंदुस्तान कॉपर्स हिंदुस्तान कॉपर्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है आज स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर और यहाँ पर मैं लेवल दे दूँ मेरे फ्यूचर के लेवल फ्यूचर कैश सेम ही होंगे आज ज़्यादा फर्क नहीं है 230 का स्टॉक तो सकिए दो सौ उनचालीस दो सौ बयालीस दो सौ पैंतालीस तीन टारगेट के लिए करनी है खरीदारी दो तीन रीजन पहला आ, ग्लोबली मेटल स्टॉक्स जबरदस्त में मेटल जबरदस्त उछाल दिखा रहे हैं मेटल और माइनिंग कंपनियों में दोनों जगह बढ़िया तेजी बन yes रही है क्यों बन रही है डॉलर इंडेक्स की की कमजोरी वजह से जो 101 के नीचे डॉलर इंडेक्स आया ये कमजोर डॉलर पूरी दुनिया भर में मेटल और माइनिंग शेयरों को मजबूत कर रहा है दूसरी बात हिंदुस्तान कॉपर बैन से बाहर आ गया आज भाई साहब लाइन लगी है इन शेयरों को खरीदने के लिए नैल को हिंदुस्तान कॉपर एनएमडीसी मतलब ऐसा लग रहा है कि इनके पास आयन और कॉपर नहीं है खजाना है खजाना है कुबेर का करेक्ट निकालते जाए निकालते जाए पैसे 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 है तो सबको चाहिए सबको चाहिए सो माइनिंग स्टॉक्स बड़े मजबूत ट्रेंड में भी है मुझे लगता है आज ये शेयर कमाल कर सकता है बैन से बाहर निकलने के बाद कोई बड़ी बात नहीं वापस कली बैन में चला जाए <laughs> सीरीज के आखिरी दिन बैन में जाने की कमाल वापस कर दे तो बड़ी बात नहीं बट एक अच्छी तेजी बन सकती है बायोडिप्स की स्ट्रेटेजी आप हिंदुस्तान कॉपर में रख सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर में रखें